नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे ये न्यूमिस्मैटिक्स के चैनल में। और आज कपिल गुप्ता जी से एक स्पेशल विषय पर जो है डिस्कस करने के लिए हमने वीडियो बनाया है। कपिल जी, बहुत ज्यादा लोग जो है ना 786 नोटों के लिए 786 के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। अरुण जी, देखिए मैं आपको बताऊं, लोगों का हमारे पास बहुत फोन आता है कि हमारे पास 786 के नोट हैं, आप क्या रेट लेते हो, ये तो लाखों करोड़ों रुपए की आइटम है। कुछ यूट्यूबर्स इस तरह की वीडियो भी बना के डालते हैं कि ये लाखों रुपए के, और वो उसको यदि कॉल करते हैं तो वो बताते भी हैं कि इसके पलटे में आपको 5 लाख मिल जाएंगे, 6 लाख मिल जाएंगे, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, 786 बेशकीमती आइटम नहीं है, और इसमें केवल कुछ चुनिंदा इशू होते हैं जो कि बिकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए जैसे ये नोट है एंडिंग 786, एंडिंग 786 कुछ इशू में बिकता है, और जैसे कि 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का, जो डिनोमिनेशन ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं उसके नोट थोड़े से कीमती हैं, और उसके अलावा 10, 20, 50, 100 ये यूएनसी कंडीशन में भी 10, 15, 20 रुपए ऊपर होता है, इससे ज्यादा कोई वर्थ नहीं है। छोटी डिनोमिनेशन के अंदर, अगर बड़ी डिनोमिनेशन में लेंगे 500 रुपए के अंदर 786 का वैल्यू नहीं मिल पाता है, 200 रुपए में या बड़े नोटों में अगर देखें। और एक चीज, और जैसे ये मिडिल 786 है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें भी ये 786 मिडिल है तो ये भी महंगा है, लेकिन सर ये महंगा नहीं होता। तो लोगों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इस तरह के कलेक्शन में ध्यान ना लगाएं, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं है। बहुत से लोग इस चीज में सोच के हमारे पास आते हैं कि ये लाखों रुपए की आइटम है। अभी आज सुबेरे की ही बात बताऊं मैं, आज सुबेरे क्या हुआ, मैं 11:30 ऑफिस खोलता हूँ, ऑफिस खोलने से पहले बाहर एक शख्स खड़े हुए थे मेरे पास, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं 10:30 से खड़ा हुआ। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आइए। उन ऑफिस हमने खोला, आए, बैठे, फिर वो आके मेरे से बोले अरुण जी कि मेरे पास है ना 786 के 3 नोट है, तो 3 लाख रुपए तो होंगे कम से कम। मैंने उनसे कहा सर आप 786 के नोट दिखाने के लिए पिछले 1.5 घंटे से बाहर खड़े हुए हो। मैं कह रहा हाँ सर, मैं इसी वजह से, मैं दुख लगता है एक्चुअली सर, वो दादरी से आए थे, उससे बड़ा दुख की बात यह है कि वो बंदा दादरी से आया था सिर्फ 786 के नोट दिखाने के लिए। मैंने उनको पहले पानी पिलाया, चाय पिलाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं यदि सीधे उनको बोल दूं तो उनको। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना एक बात जो है, मैं कपिल जी आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, समझने की है। जैसे आप ये नोट देख रहे हैं, इस नोट के अंदर ये 6 डिजिट का सीरियल नंबर है, और हर सीरीज में, अब यहाँ पर ये 87A लिखा है, तो 87A में 0001 से लेकर 10 लाख तक के कुल मिला के 10 लाख नोट छपेंगे 87A वाली सीरीज में। अब आप इसमें एक बात सोचिए कि 786 एंडिंग भी कितनी बार आ जाएगा, हर 1000 नोट में एक 786 एंडिंग एक नोट निकलेगा, और अगर मिडिल वाला हो तो मिडिल वाला तो बहुत ही ज्यादा निकल जाएंगे। तो खुद सोचने की बात है कि अगर 10 लाख नोट इसमें छपे हैं तो 1000 गड्डियां तो हो गई, और 1000 गड्डी का मतलब 1000 नोट 786 के इसमें से निकलेंगे। लेकिन एक नंबर ऐसा 786 जिसके आगे 3 जीरो हो, स्टार्टिंग में 3 जीरो फिर 786, या 786 दो बार लिखा हो, ऐसा 10 लाख में एक ही बार होगा, वो नोट बिकता है। और इसमें एक नोट और होता है जो 786 3 जीरो, मतलब कहने का मतलब है 3 वैरायटी होती है इसमें 786 में जो कि सेल होती है, 786 786 3 0 786 और 786 3 0। दोस्तों ये चीज एक पॉइंट वाली बात है, आप नोट कर लें, कह सकते हैं 786,000। इसके अलावा कोई भी आप नोट देखेंगे जो कि 786 है वो बेशकीमती नहीं है, यदि छोटे डिनोमिनेशन में वो नहीं है। छोटे डिनोमिनेशन के नोट फिर भी बिक जाते हैं कुछ ऊपर, तो उसके अलावा कोई भी इशू है इस तरह की आइटम लेकर आप कहीं ना जाए, किसी के झांसे में ना आए कि लाखों रुपए की आइटम है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो धोखेबाजों से बचें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो बताते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। बहुत से आपने यूट्यूबर्स पे सब्सक्राइब लोग देखे हैं जो ये बताते हैं ये इतने का है, ये इतने का है, हम ये चीज अपने चैनल पे नहीं बताते कि ये चीज इतनी महंगी है। देखिए हॉबी जो है ना, कोई बेचकर अमीर बनने की हॉबी नहीं है ये, न्यूमिस्मैटिक्स जो है नोटों की कॉइन की कलेक्शन करने का एक शौक है, इसका आप कलेक्शन बनाएं और उसको सहेज के रखें, इसको अपना अमीर बन जाने का धंधा ना समझें।
चलिए सर, मिलते रहेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।